थोड़ा जा पीछे हो गया, हो गए, थोड़ा जा पीछे हो जाओ, चलो थोड़ा जा पीछे मौल साहब जी, राणा साहब आज आप आए हैं यहाँ पे, यार बस कर लो फिर अंदर भी जाना है भाई साहब, अंदर सवालों से जवाब दे जी। राणा साहब आज आपको बुलाया गया है, आप तो ये कहते थे कि ये केस खत्म हो गया है, तो फिर इन्होंने दोबारा आपको क्यों बुलाया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये ना अहल और ना लायक हुकूमत आई है, पाकिस्तान पर हर रोज एक नया अजाब आ रहा है, महंगाई का अजाब, गुर्बत का अजाब, बेरोजगारी का अजाब, आम आदमी का क्या। इस वक्त यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो किसान है, जो दहकान है, जो मजदूर है, जो वाइट कॉलर जॉब करने वाले हैं, हर एक के लिए मुश्किल हो गया है इज्जत के साथ गुजारा करना, दो वक्त की रोटी चलाना। जो ख्वातीन है उनके लिए घर का बजट बनाना मुश्किल हो चुका है, और पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में एक दफा कौम को हजीमत उठाना पड़ी थी, जब मशरकी पाकिस्तान का दिल, मैं समझता हूं, अफसोसनाक वाकया हुआ था, और उसके बाद किसी हकूमत में जुर्रत नहीं हुई अमेरिका को इंडिया के, पाकिस्तान की जो सलामती है खुद मुख्तारी के ऊपर जर्ब लगा सके। इन नालायकों और ना अहलों के आने के बाद कश्मीर के ऊपर जिस तरह इंडिया ने इकदाम उठाए, क्या ये सो रहे थे? ये यहाँ पर आवाज बंद करने पे लगे हुए हैं, जमहूर की आवाज, यहाँ पर ये सियासी लोगों की आवाज को बंद करने पे सारे वसाइल लगाते रहे, और इनको नहीं पता था कि इंडिया क्या करने जा रहा है, इनको नहीं पता था कि इसराइल मॉडल जो है फलस्तीन में, जो इसराइल ने किया वो मकबूजा कश्मीर में लागू होने जा रहा है। आज वो बातें सच नजर आना शुरू हो गई, जो कहा जा रहा था कि इसराइली जहाज पाकिस्तान आया, इसराइली कारिंदे पाकिस्तान में आए, इमरान खान ट्रंप से क्या मानकर आया, जो व्हाइट हाउस बार बार कह रहा है कि जो वादे किए हैं वो पूरे करने का वक्त आ चुका है। आज पाकिस्तानी कौम को इस तरह नहीं बेचा जा सकता, पाकिस्तानी कौम के जज्बात को इस तरह मजरूह नहीं किया जा सकता। और मेरा केस, मेरे केस में डीजी नैब का बयान सबके पास मौजूद है, जो उन्होंने मीडिया पर कहा कि राणा मशहूद के खिलाफ कुछ नहीं है और हम इंक्वायरी क्लोज कर रहे हैं। तीन इंक्वायरियां नैब ने करके क्लोज की, मुझे क्लीन चिट दी, इनकी ईबीएम ने मुझे क्लीन चिट दी, लेकिन मुझे आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। मैंने हाई कोर्ट में भी रिट की कि मेरे खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की गई वो किस बुनियाद पर की गई, तीन नामालूम लोगों की दरखास्त पे, वो नामालूम कौन है? आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पूछता है कि ये नामालूमों की हुकूमत कब खत्म होगी, कब इस मुल्क के फैसले वो लोग करेंगे जो वोट की ताकत से आते हैं, जो वोट लेकर आते हैं। हम इन सिलेक्टेड लोगों को आईना दिखाते रहेंगे, हम आवाज हक और सच की उठाते रहेंगे। मेरा जमीर साफ है, मेरा दामन साफ है, अल्लाह के फजल से इस दुनिया की अदालत में भी और उस अल्लाह की अदालत में भी सुर्खरू होऊंगा, और ये और ये बदनाम होंगे। मुझे फख्र है कि मैंने शहबाज शरीफ के साथ काम किया, मुझे फख्र है कि मैंने नवाज शरीफ के साथ काम किया, जो मुहिब्बे वतन है, जिन्होंने पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा किया, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। अगर उनका साथ देने की सजा जेल है तो ये जेल 100 दफा कबूल करूंगा, 100 दफा जेल में जाऊंगा।
इस आवाज को दबा नहीं सकोगे, ये आवाज उठेगी, अब पाकिस्तान के गली कूचों से उठेगी। आप वकील भी हैं, एक दफा जब इंक्वायरी बंद हो जाती है क्या दोबारा उसको खोला जा सकता है? क्या ये कानून में है? ये कानून की कोई पाबंदी नहीं की जा रही। इंक्वायरी बंद करने के बाद किस कानून के तहत खोली गई, मैंने इनसे पूछा है, ये कोई नहीं बता रहे, क्योंकि यहां पर कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। यहां पर सिलेक्टेड जो है वो अपने खिलाफ आवाज नहीं सुनना चाहता। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की बात होती है, आज बात करो मरियम के जलसे क्यों नहीं दिखाए जा रहे, मरियम की आवाज क्यों नहीं सुनाई जा रही, हमजा शहबाज को किस जुर्म में अंदर कैद रखा हुआ है। आज कौम ये सवाल करेगी, और वो वक्त दूर नहीं है कि इमरान खान समेत इसके इर्द गिर्द बैठने वाले तमाम लोटे और लुटेरे जेलों में होंगे। बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने तो कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीरियों से इजारे यकजहती के लिए पूरा पाकिस्तान मरियम नवाज शरीफ की क्यादत में 15 अगस्त को मुजफ्फराबाद इकट्ठा होगा, निकलेंगे हम सब और कश्मीर के लिए निकलेंगे। कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी। मेरे केस में डीजी नैब का बयान सबके पास मौजूद है, जो उन्होंने मीडिया पर कहा कि राणा मशहूद के खिलाफ कुछ नहीं है और हम इंक्वायरी क्लोज कर रहे हैं। 3 इंक्वायरियां नैब ने करके क्लोज की, मुझे क्लीन चिट दी, इनकी ईबीएम ने मुझे क्लीन चिट दी, लेकिन मुझे आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। मैंने हाई कोर्ट में भी रिट की कि मेरे खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की गई वो किस बुनियाद पर की गई। 3 नामालूम लोगों की दरखास्त पे, वो नामालूम कौन है? आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पूछता है कि ये नामालूमों की हुकूमत कब खत्म होगी, कब इस मुल्क के फैसले वो लोग करेंगे जो वोट की ताकत से आते हैं, जो वोट लेकर आते हैं। हम इन सिलेक्टेड लोगों को आईना दिखाते रहेंगे, हम आवाज हक और सच की उठाते रहेंगे। मेरा जमीर साफ है, मेरा दामन साफ है, अल्लाह के फजल से इस दुनिया की अदालत में भी और उस अल्लाह की अदालत में भी सुर्खरू होऊंगा, और ये बदनाम होंगे। मुझे फख्र है कि मैंने शहबाज शरीफ के साथ काम किया, मुझे फख्र है कि मैंने नवाज शरीफ के साथ काम किया, जो मुहिब्बे वतन है, जिन्होंने पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा किया, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। अगर उनका साथ देने की सजा जेल है तो ये जेल 100 दफा कबूल करूंगा, 100 दफा जेल में जाऊंगा, लेकिन इस आवाज को दबा नहीं सकोगे, ये आवाज उठेगी, अब पाकिस्तान के गली कूचों से उठेगी। आप वकील भी हैं, एक दफा जब इंक्वायरी बंद हो जाती है क्या दोबारा उसको खोला जा सकता है? क्या ये कानून में है? ये कानून की कोई पाबंदी नहीं की जा रही। इंक्वायरी बंद करने के बाद किस कानून के तहत खोली गई, मैंने इनसे पूछा है, ये कोई नहीं बता रहे।
क्योंकि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर सिलेक्टेड जो है वो अपने खिलाफ आवाज नहीं सुनना चाहता। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की बात होती है, आज बात करो मरियम के जलसे क्यों नहीं दिखाए जा रहे, मरियम की आवाज क्यों नहीं सुनाई जा रही, हमजा शहबाज को किस जुर्म में अंदर कैद रखा हुआ है, आज कौम ये सवाल करेगी। और वो वक्त दूर नहीं है कि इमरान खान समेत इसके इर्द गिर्द बैठने वाले तमाम लोटे और लुटेरे जेलों में होंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।